इंसान दुनिया में चाहता है कि उससे दुनिया बेहतर हो। हर इंसान या पढ़ा लिखा इंसान चाहता है कि मुझे नौकरी मिले, और उसके लिए वो क्या करता है, बड़े बड़े ऑफिसर के पास जाता है और उनसे सिफारिश मांगता है कि मुझे सिफारिश कीजिए कि मुझे फला नौकरी मिले, और पैसे लाख में खर्च करता है, इतनी मेहनत की होती है। इसके बावजूद जब उसे नौकरी नहीं मिलती तो क्या करता है, सिफारिश ढूंढता है बिलाकर उसे नौकरी मिलती है। जब एक इंसान दुनिया की खातिर इतनी मेहनत करता है, सिफारिश ढूंढता है ताकि उसकी दुनिया बेहतर हो, तो मुसलमान उखरवी जिंदगी के लिए क्यों नहीं सोचता है कि क्या मैं वहां कामयाब हो जाऊं, मैं ऐसा सिफारिश करने वाला तैयार रखूं। जैसे कि अल्लाह तआला ने अपने बंदों के लिए बहुत सारे ऐसे अमल रखे हैं जो एक बंदे के लिए सिफारिश करे। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबी दाऊद जामे तिर्मिजी की रिवायत है और इमाम अल्बानी ने इस रिवायत को हसन कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मिन अल कुरान 30 आयत, कुरान पाक में एक सूरह है 30 आयत पर मुश्तमिल है, तशफ़ाउ लिसाहिहा, जो पढ़ने वाले को तिलावत करने वाले को जो इस सूरह की तिलावत करेगा, इन 30 आयतों की तिलावत करेगा, सिफारिश करेगा, ये 30 आयत उसके लिए सिफारिश करेगी, हत्ता वगैरहु, यहां तक उसे बाकी दिया जाएगा। वो सूरह कौन सी है, वो 30 आयत कौन सी है, फरमाया तबारक अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, वो सूरह मुल्क है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो इस सूरह को पढ़े, ये एक मुख्तसर सी सूरह है, कम से कम 5 मिनट लगेंगे, अगर हर कोई मुसलमान हर दिन नहीं एक हफ्ते में पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला ये सूरह आखिरत में उसके लिए सिफारिश करेगी।